ओके चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। हम लोग पढ़ेंगे साइंस, हैंड डाउन कर दीजिए आप। चलिए सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए बेटा, सेट प्रॉपरली। गायत्री सेट प्रॉपरली बेटा। ओके तो साइंस में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, देखिए इसका नेम क्या है बेटा। चैप्टर नंबर 4 है एनिमल्स एंड शेल्टर। क्या है बेटा चैप्टर नंबर 4? एनिमल्स एंड शेल्टर्स। ये वाला चैप्टर है जो हमें क्या करना है, रीड करना है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना, इस चैप्टर में यहाँ पर क्या है बेटा, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो देखिए बेटा, फूड फूड का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस करिए बेटा, हु विल टेल मी। फूड फूड का मतलब क्या होता है, FOOD, इस वाले वर्ड का मतलब बेटा। हाँ अभाष, अभाष बताएंगे जस्ट। हाँ बेटा, क्या होता है फूड का मतलब? खाना बेटा खुद से बताना है। चीटिंग नहीं। ओके चलिए, फूड का मतलब होता है बेटा खाना। ओके अब नेक्स्ट है बेटा शेल्टर। शेल्टर का मतलब कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? बेटा शेल्टर का मतलब कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ शेल्टर? हैंड रेस करिए, कौन बताएगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके जस्ट अ सेकंड। लक्ष्य, लक्ष्य वांट टू टेल, लेट्स आस्क लक्ष्य। हाँ बेटा लक्ष्य, क्या होता है शेल्टर का मीनिंग? बता, तेरे को पता है तेरे शक्का मिलता है बोलिए बेटा मम्मी, लक्ष्य। आप बोल दो नहीं तो हाँ पढ़ हाँ रहे हाँ चीटिंग नहीं करना है बेटा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है? अच्छा बताइए लक्ष्य, आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। गांधीनगर में रहते हैं ना, और गांधीनगर में कहाँ पे रहते हैं बेटा? संत कुमार गांधीनगर। ओके अच्छा, संत कुमार में बेटा कहाँ रहते हैं? और बताइए और अंदर। सरकारी स्कूल के पीछे अच्छा, और पीछे मतलब स्कूल के पीछे कहाँ रहते हैं? इधर गणेश मंदिर के पीछे वाली गली। गणेश मंदिर के पीछे वाली गली। ओके 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 बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप रहते कहाँ हैं, मैं आपसे ये कौन से एरिया में रहते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, आपसे पूछता हूँ इजिली। जो बर्ड होता है ना, बर्ड है ना, बर्ड जानते हो ना लक्ष्य, बर्ड क्या होता है, पक्षी है ना, पक्षी कहाँ पे रहता है बेटा? घर में घर में रहता है, बताओ कहाँ है, आपके घर में है क्या? सर अभी ठीक, पक्षी तो बेटा उस पे रहता है ना, पेड़ पर वो अपना घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है, उसमें रहता है। अरे रहता है कि नहीं, बता बोलिए हाँ या ना, बोलिए बेटा। ना चिड़िया। यस सर। हाँ अच्छा, फिश कहाँ पे रहती है? फिश पानी पानी में है ना, तो वैसे ही बेटा। अच्छा मंकी कहाँ रहता है? मंकी पेड़ पे। पेड़ पर ना। और बेटा हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं घर में। कहाँ रहते हैं बेटा? घर में घर में रहते हैं ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हो। तो कहाँ रहते हैं हम? घर में रहते हैं। ठीक ध्यान दो। है, अब बेटा शेल्टर मतलब क्या होता है, इसलिए आप सभी लोग सुनिए। शेल्टर मतलब होता है बेटा घर। क्या होता है शेल्टर? मींस घर, मतलब वो जगह जहां पर हम रहते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं हाउस, मतलब जो मकान बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर रहते हैं। वैसे ही जो बर्ड्स है बेटा, बर्ड्स
बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं ट्रीज पर, अपना नेस्ट बनाते हैं वहां रहते हैं। मंकी भी ट्री पर रहता है। जो फिश होती है, फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है ना। तो सभी का बेटा, सारे एनिमल्स का क्या होता है? शेल्टर होता है। क्या होता है बेटा? शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है बेटा घर। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स का बेटा घर होता है, समझ में आया? जैसे काऊ, काऊ कहाँ रहती है? तो काऊ के लिए बेटा फार्म बनता है, फार्म है ना। फार्म मतलब क्या होता है? मतलब एक एक टाइप का घर होता है जहां पर हम लोग काऊ को रखते हैं ना, उसे फार्म बोलते हैं, है ना। काऊ, हॉर्स, ये सब फार्म पे रहते हैं, समझ में आई बेटा बात? तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा इस चैप्टर से? हम लोग सीखने वाले हैं फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। हमको क्या पता है बेटा, जो एनिमल्स हैं उन्हें भी बेटा फूड की जरूरत होती है ना। अरे एनिमल्स भी तो खाना खाते हैं ना, खाते हैं या नहीं? अभी अभी एनिमल्स खाना खाते हैं कि नहीं? हाँ खाते हैं। और एनिमल्स रहते हैं कि नहीं? एनिमल्स को भी तो घर चाहिए, रहता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, प्लस वो क्या खाता है, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए आपको कुछ एनिमल्स देख के रखे, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए दिख रहे हैं बेटा सभी को? ना, अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे ये जो एनिमल्स है ना, जैसे ये है बेटा टाइगर। कौन है बेटा? टाइगर। अच्छा टाइगर क्या ईट करता है, कौन बताएगा मुझे, है ना? टाइगर जो है बेटा क्या खाता है, कौन बताएगा, है ना? चलिए प्रियांशी से पूछते हैं। हाँ बेटा, टाइगर क्या खाता है? मीट। मीट, ओके बेटा। अच्छा और किसका किसका आंसर मीट था, वो लोग भी हैंड रेस करिए, किन बच्चों का आंसर था मीट? ओके वेरी गुड अबीर, हाँ अथर्व, वेरी गुड रुद्र एंड हर्ष पटेल, गायत्री, वेरी गुड बेटा, समर्थ, ओके। तो देखिए बेटा मीट है ना, मीट, मीट को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, एक और वर्ड में हम उसे कहते हैं बेटा फ्लैश। क्या कहते हैं बेटा? फ्लैश। क्या कहते हैं? फ्लैश। ये देखिए, दिखा आपको फ्लैश? तो हमें क्या करना है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में हमें मैच करना है कि कौन सा एनिमल क्या ईट करता है, समझ में आया बेटा? ओके बेटा, प्रियांशी अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, ओके बेटा? चलिए अब क्या है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पता है क्या है, ये कौन सा एनिमल है? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये कौन सा एनिमल है, इसका नेम कोई मुझे बताएगा बेटा? Who will tell me the name of this bird? अथर्व, चलिए रुपेश से पूछते हैं पहले, फिर नेक्स्ट टर्न बेटा आपका आएगा अथर्व, ठीक है? हाँ बेटा रुपेश, अनम्यूट करिए रुपेश। हाँ ये आवाज आ रही बेटा रुपेश? हाँ बेटा रुपेश, ये जो बर्ड है इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं बताइए? अच्छा हिंदी में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश में बताना। चिड़िया, ओके ओके। अच्छा अथर्व आपको पता है चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? अथर्व डू यू नो, अगर आपको पता है तो हैंड रेस करिए बेटा। ओके चलिए अथर्व से। हाँ अथर्व क्या कहते हैं बेटा इसे? ग्रेस। क्या कहते हैं बेटा?
ग्रेस ग्रेस नहीं बेटा, इसे ग्रेस नहीं कहते हैं बेटा, ये तो ना खाना है, ये जो नीचे लिखा है ना तो फूड का नेम है, ठीक है? क्या है बेटा? ये फूड का नेम है, ग्रेस नहीं होगा। और कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? चलिए और कौन बताएगा मुझे बेटा, हैंड रेज करी तो। अबीर बेटा डू यू नो, आपको बताएं? ओके जस्ट बेटा इस बर्ड का नाम क्या है अबीर? ये वाले बर्ड का नेम जिसपे पिंक कलर से बॉक्स। नहीं बेटा, इस बर्ड का नाम क्या है? इस बर्ड का नेम बताना है आपको। जैसे देखिए बेटा, ये जो आप सभी को मैं एक बात बता दूं, ये जो नीचे लिखे है ना बेटा नेम, ये बेटा इनका नाम नहीं है, ये एनिमल्स हैं और ये इनका खाना है। क्या है बेटा? खाना। जैसे जो टाइगर है, ये टाइगर है और टाइगर क्या खाता है? मीट। और मीट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश। बर्ड का नेम क्या है वो मुझे जानना है। चलिए और किसी से पूछते हैं। रुद्र बेटा अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, क्या कहते हैं बेटा? नहीं बेटा, ये जो पिंक कलर का बॉक्स बना है ना जिसपे, उसका नेम आपको बताना है मुझे, जिसपे पिंक कलर का बॉक्स बना है। चिड़िया। चिड़िया तो बेटा हिंदी में हो गया, एंड इन इंग्लिश व्हाट विल यू टेल? और इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? चलिए अब मैं बताता हूँ आप सभी, इसे कहते हैं बेटा स्पैरो। क्या कहते हैं रुद्र इसे? स्पैरो। क्या कहते हैं बेटा? स्पैरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए बेटा स्पेलिंग, एस पी ए। बेटा मेरे साथ स्पेलिंग रिपीट करिए सभी लोग, रुद्र रिपीट करिए मेरे साथ स्पेलिंग, एस पी ए, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो। स्पैरो मींस चिड़िया। चलिए तो अभी सुनिए बेटा, आप सभी को मैं एक वर्क दे रहा हूँ आपको। देखिए पहला वर्क क्या करना है, पहला वर्क तो आपका ये है कि आपको इस क्वेश्चन को आज आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, यहाँ पर आपको एनिमल देके रखा है और नीचे देके रखा है ऑप्शंस। जैसे टाइगर क्या खाता है बेटा? टाइगर खाता है मीट। मीट खाता है तो मीट को हम लोग कहते हैं फ्लैश। तो टाइगर को बेटा इससे मैच कर देना है क्योंकि टाइगर ये खाता है। जो स्पैरो है बेटा, स्पैरो छोटी सी चिड़िया है, तो छोटी सी चिड़िया क्या खाती है बेटा? दाना खाती है। तो दाने में उसे हम क्या देते हैं? ग्रेन्स, मतलब जो होता है ना गेहूं दाल, ये सब ग्रेन्स में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेन्स। चिड़िया क्या खाती है? ग्रेन्स। उसके बाद आपको पता है रैबिट, रैबिट जो होता है बेटा, रैबिट, रैबिट क्या ईट करता है? ये तो आपको पता होगा, ये आप करिएगा बेटा खुद से। उसके बाद काऊ, काऊ क्या खाती है वो भी आपको पता होगा, है ना? तो ये भी आप लोग करिएगा बेटा खुद से, समझ में आई बात? मैच करिएगा, ओके? देन नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है बेटा, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको जितने भी एनिमल्स दिए हैं उन सभी के नेम्स आपको पढ़ना है ना, समझ में आया? और उन नेम्स को आपको रिमेम्बर भी करना है, मीन्स याद भी रखना है। कल मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपसे स्पेलिंग भी पूछ सकता हूँ, जैसे स्क्वायरल की स्पेलिंग क्या होती है, पीजन की स्पेलिंग क्या होती है, समझ में आया बेटा सभी को? तो कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर की करेंगे रीडिंग। क्या करेंगे? इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसे अंडरस्टैंड करेंगे। आपका पहला वर्क क्या है बेटा, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं सभी का नेम आपको आना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? सभी का नेम आपको आना चाहिए, ठीक है? ओके समझ में आया?
है ना। अब जस्ट सेकंड थोड़ा रुकिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए जब तक आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए तो बेटा पास।